सुप्रीम कोर्ट यह सवाल पूछ रहा है कि जो रिहाई पॉलिसी का फायदा बिल्किस बानो के गुनहगारों को ही क्यों मिल रहा है, जिस मामले में फांसी दी जानी चाहिए वहां पर उम्र कैद क्यों? और सबसे शॉकिंग बात, इस मामले में सरकारी वकील कहते हैं कि यह जघन्य अपराध तो है मगर यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है, दुर्लभतम नहीं है जिसके आधार पर इसे फांसी दी जाए। 11 लोग याद कीजिए दोस्तों बिल्किस बानो मामले में रिहा हो जाते हैं, ना सिर्फ रिहा होते हैं। इस तस्वीर को देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद और एक विधायक, इन्होंने बिल्किस बानो के एक रेपिस्ट का सम्मान भी किया था, खुलेआम धड़ल्ले से जो मर्जी कर लो। और अब अदालत के अंदर गुजरात सरकार की तरफ से यह अजीबोगरीब दलील दी जा रही है, आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का सवाल, बिल्किस बानो के दोषियों को ही रिहाई पॉलिसी का फायदा क्यों? गुजरात सरकार से सवाल किया जा रहा है, वो बिल्किस बानो जिसकी आंखों के सामने उसके आधे से ज्यादा परिवार को खत्म कर दिया गया था गुजरात के दंगों में, वो प्रेग्नेंट थी मगर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, सामूहिक दुष्कर्म किया गया, उसकी आंखों के सामने उसके 5 साल के बच्चे का सिर जो है वो जमीन पर दे मारा गया था, वो बिल्किस बानो, उसके गुनहगारों के बारे में गुजरात सरकार यह कहती है कि यह मामला दुर्लभतम नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है। मगर सुप्रीम कोर्ट नाराज है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल किए हैं जो आपके स्क्रीन पर है, एक एक पंक्ति पर गौर कीजिएगा क्योंकि एक एक पंक्ति एक्सपोज कर रही है न सिर्फ गुजरात सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को भी, एक्सपोज कर रही है महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी को जो इस मुद्दे पर अभी भी खामोश बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट क्या पूछ रहा है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर बड़े सवाल उठाए हैं। अदालत ने गुजरात सरकार से पूछा कि दोषियों को मौत की सजा के बाद वाली सजा यानी उम्र कैद क्यों मिली, वो 14 साल की सजा काटकर कैसे रिहा हुए। कोर्ट ने पूछा 14 साल की सजा के बाद रिहाई की राहत बाकी कैदियों को क्यों नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से बिल्किस बानो केस में सवाल किया, इस मामले में खासतौर पर इन दोषियों को पॉलिसी का लाभ क्यों दिया गया, जेल कैदियों से भरी पड़ी है तो उन्हें सुधार का मौका क्यों नहीं मिला, बिल्किस के दोषियों के लिए जेल एडवाइजरी कमिटी किस आधार पर बनी। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट आज ये सवाल कर रहा है कि जिस रिहाई पॉलिसी की दुहाई देकर उन 11 लोगों को रिहा किया गया उसका इस्तेमाल चुनिंदा तरीके से क्यों होता है। आपकी स्क्रीन पर जस्टिस नागरत्न, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि छूट की नीति को चुनिंदा तरीकों से क्यों लागू किया जाता है। उन्होंने कहा कि सुधार का अवसर सिर्फ कुछ कैदियों को ही नहीं, ये मौका तो हर कैदी को दिया जाना चाहिए, आपके पास तो राज्यवर आंकड़े भी होंगे। आप जानते हैं इस मामले में गुजरात सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, उनसे जवाब देते नहीं बन रहा था, उनका क्या कहना है आपके स्क्रीन पर। गुजरात सरकार की ओर से एएसजी एसवी राजू ने इस पर कहा कि आमतौर पर इसका उत्तर देना मुश्किल है, हालांकि उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लंबित है जिसमें सभी राज्यों को इसके बारे में डिटेल जानकारी देनी है जिसके लिए कुछ निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को रिहाई कानून के मुताबिक दी जाती है, चूंकि वो 2008 में दोषी ठहराए गए थे इसीलिए उनके लिए 1992 की पॉलिसी के तहत विचार किया जाना चाहिए था। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, बिल्किस बानो का मामला सिर्फ अदालती मामला नहीं है, सिर्फ लीगल मामला नहीं है, यह इंसानियत से जुड़ा मामला है, यह नैतिकता से जुड़ा मामला है, यह बतलाता है कि यह सरकार वोट्स हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकती है। याद कीजिएगा दोस्तों, एक और गुजरात दंगों का जो गुनहगार था, आरोपी नहीं, उसकी बेटी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, याद है कि नहीं आपको। और जब इन 11 लोगों को रिहा किया गया था तब गोधरा से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उन्होंने कहा था कि ये ब्राह्मण हैं, इन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए, यानी कि उनका ब्राह्मण होना उनके तमाम गुनाहों पर पर्दा डाल सकता है। मेरा सवाल न सिर्फ इस देश के नागरिकों से है बल्कि इन्हीं देश के नागरिकों में जो ब्राह्मण हैं, आपके नाम पर यह कहा जा रहा है कि इतना जो जघन्य अपराध है उस पर पर्दा डाल दिया जाए, एक मां के 5 साल के बच्चे का सिर जो है वो दीवार पर मार दिया जाता है, और ये जब ये सब चल रहा होता है तो उसके परिवार के आधे से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसको उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है,
और तर्क क्या दिया जा रहा है साहब, अब ब्राह्मण है इनसे थोड़ा ना गलती होगी, इन्हें तो माफ कर दिया जाना चाहिए, ब्राह्मण मैं भी हूं, अभिसार शर्मा, मगर मैं अपनी जाति के आधार पर इतनी नृशंस कांड को जायज नहीं ठहरा सकता। जिन लोगों को लगता है कि उनकी जाति एक लाइसेंस है किसी पर अत्याचार करने का, तो उससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों कि यह काम 2022 और 23 में हो रहा है, क्योंकि यह बयान गोधरा के उस विधायक का 2022 में आया था। यह मत भूलिए कि उन 11 लोगों को रिहा किया गया था 15 अगस्त को। यह देश के लिए कितनी शर्मनाक बात है, क्योंकि 15 अगस्त यानी कि देश की स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता जिसने हम सबको वादा किया था कि समाज के हर वर्ग और वर्ग के रहने वाले हर व्यक्ति को इंसाफ मिलेगा, मगर बिल्किस बानो को और उसकी संवेदनाओं को जिस तरह से कुचला जा रहा है, यह अपने आप में शर्मनाक है। उनकी वकील ने अदालत में क्या कहा दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने कहा, दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार का निर्णय गलत है। इस मामले में महाराष्ट्र राज्य की बात नहीं सुनी गई, इसमें केंद्र को पार्टी भी नहीं बनाया गया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल दोषी राधे श्याम के आवेदन, उनकी एप्लीकेशन के संबंध में था, जबकि गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को सजा में छूट दे दी है। यहां तक कि पीड़ित को भी दोषियों की रिहाई के फैसले में नहीं पता चलने दिया गया। बिल्किस की वकील ने कहा कि सब जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। गुजरात सरकार चाहे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आदेशों की मिसाल दे, चाहे जितनी भी लीगल जार्गन सामने पेश करे, गुत्थम गुत्थी में उलझाए, हकीकत यह है कि इसका लीगैलिटी से कोई नाता नहीं है। इसका नाता है कि एक सरकार अपनी मानवता खो चुकी है, अपनी इंसानियत खो चुकी है। आपको लगता है कि एक मुस्लिम महिला के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है, तो उसके अपराधियों को आप रिहा करके लोगों का वोट हासिल कर सकते हो। और यह सवाल सिर्फ उस सरकार से नहीं है, उस सरकार को तो लगातार कटघरे में खड़ा किया जाना ही चाहिए। कटघरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने चाहिए, क्योंकि उनके गृह राज्य गुजरात में यह सब हो रहा है और आज तक उन्होंने इस मुद्दे पर एक शब्द नहीं कहा। कटघरे में इस देश की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी है, कटघरे में इस देश का राष्ट्रीय महिला आयोग है जो सुविधावादी अंदाज में अपना मुंह खोलता है। यानी कि जब भी अत्याचारी भाजपा या उससे जुड़ा कोई व्यक्ति होता है तो राष्ट्रीय महिला आयोग खामोश रहता है, कुछ नहीं बोलता है। मगर दूसरी तरफ जब अत्याचारी का नाता किसी माइनॉरिटी से हो या फिर विपक्षी राज्य हो, तब इन्हें उछलते हुए देखिए। तो ये सवाल केंद्र सरकार से, भाजपा से तो है ही, प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी से तो है ही, मगर ये सवाल इस देश के आम इंसान से है कि बार बार आपको ये बतलाया जाएगा कि आप खतरे में हैं, आप खतरे में हैं, मगर आपके नाम पर जो अत्याचार हो रहा है, जो बिल्किस के साथ हुआ, वो अपने आप में कितनी शॉकिंग बात है दोस्तों। और सबसे शॉकिंग है आपकी खामोशी, आप जो लगातार चुप रहते हैं इस तरह के अत्याचारों पर, आप बोलते तक नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप सड़कों पर उतरिए, कि मेरा काम भी नहीं है, मगर इस देश के नागरिक होने के नाते बिल्किस की आवाज में अपनी आवाज तो मिलाइए, इतना हौसला तो दिखाइए। कब तक धार्मिक अस्मिता के नाम पर आप इस तरह से अपने अंदर की इंसानियत को रौंदते रहेंगे? वो बिल्किस आपसे अपील कर रही है अपनी आंखों के जरिए, जिसमें मुर्दनी भरी हुई है। उसकी आज तक मैंने कोई ऐसी तस्वीर नहीं देखी जिसमें उसके चेहरे पर मुस्कान हो, और आप जानते हैं क्यों? वो मायूस से इसलिए नहीं है क्योंकि उसके साथ अत्याचार हुआ है, वो मायूस इसलिए है क्योंकि उसके पक्ष में ना उसकी सरकार है ना अदालतें हैं, उसके पक्ष में इस देश की जनता भी नहीं है, इस देश का बहुमत भी नहीं है। और ये करारा तमाचा इस सरकार पर नहीं, अत्याचारियों पर नहीं, ये करारा तमाचा आप पर है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ आप में और एक राक्षसी सोच में कोई फर्क नहीं है। ये फर्क खत्म होता जा रहा है, मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।